ऑलमोस्ट अब बस 10 मिनट का उजाला और रह रहा है, फिर मेरे ख्याल से ये पूरा जंगल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये पूरा पिच ब्लैक हो जाएगा। बादल तो छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही, पता है। बास्केटबॉल शॉर्ट्स, यस, 8 AM to 8 PM। कीवी है क्या? है ना? पूछ लेते भैया से क्या है। तोड़ेंगे तो भैया आ जाएंगे बताने। ये गिरा हुआ है। बुफे इज हाउ मच? बुफे 470। 470 इंक्लूडेड होता है। बुफे ले रहे हैं, इंक्लूडेड नहीं था हमारे कॉस्ट में, बट 470 रुपीज़ का पर हेड बुफे हेड कर लिया हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बुफे। दिस इज चिकन कीमा, दूध सागर के लिए शायद कोलम स्टेशन है यहाँ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे, वहाँ पर जाके ही गाड़ी पार्क करनी होगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। वैसे तो ट्रैक ही होगा जहाँ तक है, करीब 10-11 किलोमीटर का ट्रैक है वन साइड, तो उसमें 4 से 5 घंटे के बाद एक तरफ लगता है रेलवे की पटरी से होता हुआ, फिर जंगलों से होता हुआ रिवर क्रॉसिंग ये सब रहेगा, तो देखते हैं कैसा रहता है। बट मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमारी पार्किंग है, तो स्कूटी की पार्किंग तो खैर वहीं पर थी गेट के सामने ही। ये भाई ने कार रेंट की है, क्या इसका रेंट है भाई? 1200 रुपये पर डे लगे। 1200 रुपये पर डे ले रहे हैं। कंडीशन कैसी है? अब उनके अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी 300 किलोमीटर चली थी, और मीटर के अकॉर्डिंग भी। मीटर के अकॉर्डिंग 300 किलोमीटर चली थी शोरूम से, मतलब बता के तो यही दिया है कि 300 किलोमीटर चली है, बट गाड़ी वैसे तो साफ़ है, पर साफ तो क्या हो, तो कभी भी साफ हो जाती है, पर ये डेंट वेंट देख के, हल्के फुल्के जो डेंट हैं उसको देख के लगता तो नहीं कि 300 किलोमीटर में इतनी हालत ख़राब हो गई इसकी। और वैसे चलते टाइम भी आवाज़ कर रही है हल्की फुल्की, बट ठीक है, गोवा में वैसे भी बहुत लंबे रोड ट्रिप तो रहते नहीं हैं, छोटे मोटे रहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सही है। जा बैठो अभी। हाँ हरियाली भरे रास्ते से होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं, और दूध सागर जाने के लिए वैसे तो 2 जगह से आप ट्रैक शुरू कर सकते हो, दोनों रेलवे स्टेशन है मुलेम और कुलेम, तो मुलेम थोड़ा आगे पड़ता है, तो कुलेम में हम लोग जा रहे हैं, कुलेम थोड़ा पास पड़ता है दूध सागर के। और अभी मैप के हिसाब से 1 घंटे 29 मिनट का रास्ता बचा हुआ है और 68 किलोमीटर है, ये कह रहा है 11 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। बट ज़्यादा बढ़िया रहता है कि अगर आप जब साउथ गोवा में रह रहे हो तब ये करके आओ, क्योंकि तब 1 घंटे में आप कुलम पहुंच जाते हो, यहाँ से 1.5 घंटे लगते हैं। बट ठीक है, कार है तो ठीक है, बट अगर बाइक वगैरह है तो आपको आते आते काफ़ी रात हो सकती है, इसलिए साउथ गोवा से ही वो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे जाता है तो और आगे जाता है हाँ। वो लोगों को रास्ता मालूम है हाँ। गाइड लोगों को आपको उधर पार करके उधर से 9.5 किलोमीटर चल के जाना था। ट्रैक वो जो ब्रिज है ना हाँ। उधर से अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है वहाँ सब जा रहे हैं? नहीं, पुलिस सब पर बकाता है। अगर आप 4-व्हीलर से आ रहे हो तो पे पार्किंग है 100 रुपये में हम लोगों ने वहाँ पार्क किया है। होता है हर कहीं मेन फेमस जगहों पर जो स्कैम टाइप का चलता है, वैसा सा ही है। आपको पहले तो शुरू में बोलेगा कि 1000 पर हेड लेगा वहाँ तक ले जाने के लिए, बट हम लोगों ने थोड़ा चिक करके सिर्फ 300 रुपये पर हेड में बुक किया है गाइड। बट एक्चुअली हम लोगों का जो मन था वो वहाँ जाने का था, जो वो रेलवे ट्रैक बीच से निकलता है, बट ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर अलाउड नहीं कर रहा है,
तो अगर अलाउ किया तो फिर वो रास्ता पकड़ लेंगे, नहीं तो नीचे जो बेस है वहाँ से भी बढ़िया व्यू आता है, वहाँ चलेंगे। रेलवे ट्रैक वाले पता नहीं कि अभी पिछले वीक कुछ फ्रेंड्स लोग होके आए, वो रेलवे ट्रैक तक होके आए। वही RPF वालों का रहता है ना, रेलवे ट्रैक पर चलना लीगल नहीं है, तो वो चार्ज फाइन वगैरह लगा देते हैं। पूजा कह रही रेस होगी क्या? ये दूध सागर के लिए यहीं से, यहाँ से पूरा दूध सागर तक जा सकते हैं? रोकेगा तो नहीं कोई RPF वगैरह? है ना उधर RPF है आगे, तो वो रोकेगा ना? तुम्हारे पास कौन है गार्ड जो? वो आया नहीं, वो नहीं है, आने वाला है बट अभी तक आया नहीं है, तो हम सोच रहे हैं अकेले ही चले जाएं। तो हमारा गाइड तो पता नहीं कहाँ खो गया है, उसको भी लग रहा है गाइड की जरूरत थी, तो हम लोग अब खुद ही रेलवे ट्रैक जो था कुलम से उसी को पकड़ के चल दिए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या रहता है, कितने किलोमीटर है। अभी कुछ टेंशन सिर्फ इस चीज़ की है कि रात हो सकती है, तो क्योंकि 12 अभी ऑलमोस्ट 12 बजा हुआ है तो रात हो सकती है, बस एक यही टेंशन है कि आते टाइम अंधेरा हो सकता है, तब डरावना लगेगा। तो हम लोग अभी बोल रहे अपना जो रास्ता जंगल की तरफ को जाता है वो अभी दिखा था, तो अगर आप आते हो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। तो हम लोग वहाँ गए बट यहाँ पर भी वही स्कैम टाइप का चल रहा है कि अगर गाइड नहीं है तो वहाँ से टिकट ही नहीं देंगे जंगल से जाने का। तो हम लोग फाइनली अभी इसी पटरी पर ही जा रहे हैं। 12:15 हुआ है, शायद ट्रेन आ रही है अब। उसके जस्ट आगे दूध सागर वाटरफॉल रेलवे स्टेशन भी है, उसके जस्ट आगे से फिर कर्नाटका की एंट्री शुरू हो जाती है। तो अगर आप कर्नाटका से आ रहे हो तो आपको दूध सागर वाटरफॉल रेलवे स्टेशन पहले पड़ेगा, और आप महाराष्ट्र से कहीं से आ रहे हो तो आपको कोलम स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 12:35। ये पता नहीं कहाँ से बुक होता है, कैसे कौन लोग हैं इसमें जो आ रहे हैं आइडिया नहीं है। अभी तो पूरा जंगल का रास्ता है और जंगल में न जाने कितनी जगहों से, अगर इसमें वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, तमाम ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स और वाटर स्ट्रीम्स वगैरह वो सब रास्ते में हैं। कीड़े वीड़े भी बहुत हैं, बड़े बड़े कीड़े हैं, तो स्पेशल ध्यान देना है कि भाई पैर आपके पूरे ढके होने चाहिए। यूजुअली चप्पल पहन के लोग आ जाते हैं, तो पहली चीज़ तो कीड़ों की वजह से रिस्की है, दूसरा जिस तरह से ये पत्थरों पर चलना है तो हल्की फुल्की चप्पल टूट भी सकती है, दूसरा आपके पैर तो ज़रूरी, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, पैर पे सारा का सारा शॉक आएगा। मैंने तो क्रॉक्स पहने हुए हैं, हम सब लोग क्रॉक्स वगैरह पहन के आए हैं, पूजा शूज़ पहनी हुई है, तो अगर शूज़ हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बट शूज़ में दिक्कत ये रहेगी कि अगर रिवर क्रॉसिंग वगैरह आई आगे तो उस टाइम दिक्कत है, क्योंकि वो गीले हो गए तो जल्दी सूखेंगे नहीं, अंदर पूरा पानी भर जाएगा, फिर चलने में भी ऐसा रहेगा, तो उस टाइम क्रॉक्स बढ़िया है। और वहाँ के अगर इन सिर्फ पत्थरों पर ही चलना है तो फिर तो वो मोटे वाला जो टिकट लॉन के शूज़ आते हैं वो सही है। अब हम लोग पहले टनल पर पहुंच गए हैं, पहला टनल मतलब कि करीब 1.5 घंटे के चलने के बाद आया है। ये टनल नंबर 16 आ गया है, और इस अंधेरे वाले टनल में अब हमें जाना है। वो हो शिट मैन, शुक्र है कि दूसरा एंड दिखाई देने लग गया है, क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों के लिए तो कहीं दिक्कत ही ना हो जाए यहाँ पर, सही रहेगा। बीच में आ जाओ, फिर से बारिश शुरू हो गई है। भयंकर बारिश, ये
लिलैक कलर का पोंचो खरीदा है मिस्टर विश्वजीत सिंह ने। अभी तो चल ही रहा है अपना वो फ्री वाला गाइड भी। मेरे साथ चले तो नहीं पकड़ेगी। तो वो लोग बोल रहे हैं कि 3-4 किलोमीटर और रह गया है। मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा नहीं है, 8 किलोमीटर से ऊपर तो कर ही चुके हैं। हाँ, एंड देयर इज अनदर टनल। ये जोक है, चिपक जाते हैं ना ये जोक नहीं है, जोक के लीच होती है। हाँ ये वही है, ये खून चूसता है, ये जैसे ही आपके स्किन को टच करेगा ना ये पूरा अंदर चला जाएगा। पकड़ाओ, मांग रहा है तुम्हारा, हाथ मांग रहा है। हाँ, वो देखो भगा चल कैसे रहा है, हाइड्रा जैसे। ये एक और टनल आ गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डार्क टीवी सीरीज की वो विंडन वाली केव्स। इसकी लेंथ है 126 मीटर, तो यहाँ से करीब आपको 25 मिनट के आसपास और लगेंगे, तो लगभग हम अपनी मंजिल पर ही हैं। और टोटल अभी हम लोग 3 घंटे 6 मिनट चल चुके हैं, तो आई गेस 3.5 घंटे का टोटल माना जाएगा। ये 405 नंबर आ चुका है, क्योंकि मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 400 जब आ जाएगा तब हम पहुंच जाएंगे। फिर से दम झमाझम बारिश शुरू हो गई है, फिर से लगभग 3.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, हो गया होगा 11 किलोमीटर के आसपास। और ये फिर से एक बार प्रॉपर व्यू दूध सागर का, वो गजब, वो रेलवे ट्रैक है, हमें वहां पर जाना है, वो बीच में जा रहा है। मैं आया है कि वहां पर जितने लोग खड़े थे उनको पुलिस ने लठ मार मार के भगा दिया है। अब देखना ये है कि हम लोगों का क्या हाल होता है। अब ये पानी भर लो प्लीज़। तो अगर आप आ रहे हो आपका पानी ख़त्म हो गया है, तो वाटरफॉल के पास ही ये इस तरह से पानी निकल रहा होता है और पाइप गया होता है, तो या तो यहीं पे डायरेक्ट भर लो, या तो हम लोगों ने वो पाइप उन लोगों के पास था वहाँ से अपनी सारी बॉटल्स जो थी वो भर ली, क्योंकि भाई पानी की बड़ी कमी अखर रही थी। दो बॉटल लेके निकले थे, बट वो तो अभी ही ख़त्म हो गया था। वाटरफॉल के दर्शन अब कंटिन्यूसली बने हुए हैं। ये अब आई गेस ये लास्ट टनल है, और हमारा फोर्थ टनल है। 16, 15, 14 निकल गया, ये टनल नंबर 13 है। तो ये एक्चुअली टनल टूटा नहीं है, ये एकदम यहाँ पर ये टनल 13 ख़त्म होता है, टनल 12 तुरंत ही शुरू है। क्या रीज़न है कि एक ही साथ नहीं बना पता नहीं। ओके, सो फाइनली नाउ वी हैव रीच्ड, आखिरकार हम पहुँच गए हैं। बस ये है कि यहाँ से तुरंत ना पुलिस भगा दे। वी आर फाइनली एट दूध सागर वाटरफॉल, द चेन्नई एक्सप्रेस वाटरफॉल। गिरता हुआ झरना उस तरफ सीधे चला जाता है जंगलों के अंदर। एक्चुअली दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों को थोड़ा और जल्दी शुरू करना चाहिए था, तो बहुत ही ज़्यादा लेट शुरू किया, कम से कम 2 घंटे पहले शुरू करना चाहिए था।
एनीवेज बट उस 15-20 मिनट के लिए जो हम लोगों ने बिताए उसके लिए ये 4 घंटे का ट्रैक आई थिंक इट्स वर्थ इट। इंडिया के सबसे बढ़िया वाटरफॉल्स में से एक, उसको करीब से विटनेस करने के लिए वर्थ था। आखिर के 2 टनल थे वो पास करके हम लोग वापस आ गए। 4:21 हो रहा है तो अगर मैं 3.5 घंटे भी लगाऊं तो 8 बजे रात तक हम कुलम पहुंचेंगे जहां से हम लोग ट्रैक शुरू किए थे, जहां हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। बट हाँ, अगर आप शुरू कर रहे हो तो 9 बजे के आसपास आप पहुंच जाओ इस जगह पर जहां से ट्रैक शुरू होता है, मतलब कुलम तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप दूध सागर आते हो मानसून में तो आप जब भी YouTube या कुछ भी Google पर सर्च करोगे तो गाइड का जिक्र करते ही करते हैं कि गाइड तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है जैसे लोग बताते हैं, कई लोगों के वीडियोस देखे मैंने कि अरे कुलम से चलना शुरू किया तो दूध सागर तक पहुँचने में 6 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, 3.5 घंटे का केवल ट्रैक है। ऐसा भी नहीं है ऊंचा नीचा, सीधा सीधा चल, फ्लैट है। बस एक चीज़ का याद रखना कि अपने सबसे मजबूत बेस वाले जूते जो हैं वो पहन के आना, सिर्फ और सिर्फ पत्थर की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। दूध सागर कुलम पहुँचते ही सब लोग दूध सागर जाना है ऐसे करके आपसे पूछने लग जाएंगे। सबसे पहला वाला जो बंदा था वो बोला कि 1000 रुपीज़ पर हेड में आपको नीचे लेके चलेंगे। फिर 4 लोगों का 4000, मतलब मजाक चल रहा था। फिर मिला कोई तो 500 बोलने लग गया, तो हम लोगों ने कहा कि 400 में लेके चलो। फिर एक मिला कि 400 में रेडी हो गया, तो उसको हम लोगों ने 300 में फाइनली रेडी कर लिया था। और उसने हमसे कहा कि आप चलना शुरू करो, हम वहीं पर आ रहे हैं स्टार्टिंग पर ही। बट जब हम लोग पहुँचे, चलना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा वेट करते रहे उसका, वो आया नहीं। तो हम लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अपन चलना शुरू करते हैं। वापस भी आना पड़ा तो आ जाएंगे बिना देखे, बट चलना शुरू करते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। फिर हमने चलना शुरू किया तो इतने सारे लोग थे विदाउट गाइड, अपना आराम से चले थे, उनके साथ होके निकल लो। फिर आपको रास्ते में कई बार आपको जो गाइड होंगे वो डराएंगे कि RPF वाले हैं, वो जाने नहीं देंगे, गाइड की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाने देंगे। तो RPF वाले अगर होंगे तो गाइड होगा तब भी नहीं जाने देंगे, और आप होगे तो आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो एक बार मान भी जाएं, बट अगर गाइड होगा तो उसको भागना ही पड़ेगा क्योंकि वो लाइसेंस वाले होते हैं। भाई टाइम हो रहा है अभी 6:28 और हम लोग अभी बस 2 ही लोग हैं। बाकी जो दोस्त था वो थोड़ा स्लो चल रहा था, तो हम लोग तो फिर क्योंकि अंधेरे से बचना था तो हम लोग तो तेज़ पे चले आए। तो ऑलमोस्ट अब बस 10 मिनट का उजाला और रह रहा है, फिर मेरे ख्याल से ये पूरा जंगल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये पूरा पिच ब्लैक हो जाएगा क्योंकि बादल इतने हैं कि चांद की रोशनी नहीं आने वाली है, और अगर आई भी तो पेड़ इतने हैं कि वो आने नहीं देंगे। बाकी ये देखो 479 जो लिखा हुआ है, तो हम लोग के नॉलेज के अकॉर्डिंग 500 पॉइंट जब आ जाएगा 500 तब अपना कोलम स्टेशन आएगा। तो स्पीड तो बहुत सही पकड़ी है हम लोगों ने क्योंकि जो दूध सागर का एग्जैक्ट पॉइंट है वो 395 पर है, 397 या 395, तो वहाँ से हम लोग 480 तक अब आ गए हैं और 4:30 चले थे, 6:30 हो गया, 2 घंटे में यहाँ तक आ गए हैं। तो आई गेस अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2.5 घंटे में हम, मतलब टोटल 2.5 घंटे में कुलम स्टेशन पर होंगे। बट ये तो है कि पैर जो हैं वो बुरी तरह जवाब दे चुके हैं, देखो झिंगरों की और जानवरों की आवाज़ें जो हैं वो एकदम टेंस होती जा रही हैं, थोड़ी टेंशन वाली बात है। बट हम लोगों ने पैरों की परवाह किए बिना थोड़ा स्पीड ऐसी रखी है कि एटलीस्ट उजाला जब तक है तब तक हम 490 तक तो पहुंच जाएं। अब मेरे ख्याल से 10 मिनट मैक्सिमम इतना ही रह रहा होगा, टाइम हो रहा है 6:55। हम लोगों ने तो उजाले में कर लिया, उजाले ने भी साथ दिया, कल तो 6:40 तक अंधेरा हो गया था बीच के किनारे जब बैठे थे। मेरे ख्याल से हम लोग के पहुंचने तक बना ही रहेगा और 10 मिनट। तो अब पूरा 7 बजा हुआ है, 7:01 हो गया और हमारा ट्रैक हो गया है ख़त्म, कुलम स्टेशन आ चुका है। भाई साहब करीब 23 या 24 किलोमीटर का ट्रैक अभी के अभी ख़त्म हुआ हमारा, 12 बजे से शुरू किया था, 7 बजे ख़त्म हो रहा है, कॉन्टीन्यूअस। तो अगर आप शुरू करते हो ये वाला ट्रैक तो बिल्कुल दिमाग एकदम बंद करके नंबर जो लिखे हुए थे आपको मैंने जगह जगह दिखाए, यहाँ पर 500 या 501 ऐसे कुछ होगा, उसको देखते चले जाओ, सीधा जाके 395 पे आपको दूध सागर मिलेगा, वापस आना सीधे भगते हुए चले आओ, तो 2.5 घंटे में बड़े इजीली आप पहुंच सकते हो। फाइनली बहुत थक गए भाई, इस ब्लॉग को करते हैं अब एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।